अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, हैप्पी टू सर्व में खुश आमदीद। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिससे आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसा कि आप मेरी पहली वीडियोस देख चुके हैं जिनमें सऊदी अरामको वर्क परमिट रिसीवर के बारे में ब्रीफ कर चुका हूँ, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो सऊदी अरामको एग्जाम क्वेश्चन एंड आंसर हैं। आप इन क्वेश्चन एंड आंसर को पढ़कर बआसानी सऊदी अरामको सर्टिफाइड वर्क परमिट रिसीवर बन सकते हैं। दोस्तों एक बात याद रखें, हमेशा क्वेश्चन को गौर से पढ़कर ही उसका आंसर दें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एंड आंसर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले होते हैं। दोस्तों एक बात याद रखें, सऊदी अरामको में वर्क परमिट रिसीवर एग्जाम कंप्यूटराइज्ड होता है। आपको एक घंटा टाइम दिया जाता है जिसमें आपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना होता है। एग्ज़ाम कंप्यूटराइज्ड होने की वजह से क्वेश्चन ऑटोमेटिकली तब्दील होते रहते हैं। याद रखिए, अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम अटेम्प्ट करके आ रहे हैं और आपका दोस्त इवनिंग शिफ्ट या दूसरे दिन सेम सेंटर पर एग्ज़ाम के लिए जाता है तो आपके क्वेश्चन चेंज होंगे, इसलिए क्वेश्चन को गौर से पढ़ने के बाद ही उसका आंसर दें, कॉपी पेस्ट मत करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ।
दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे सेंटर के क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें या दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। शुक्रिया।